हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल एंड इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द पोएम इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट फ्रेडरिक ओजेनास एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस पोएट ही इज वेल नोन इन द वर्ल्ड फॉर हिज ह्यूमरस पोएट्री। उसने अपनी ऑलमोस्ट जो पोएट्री लिखी है वो एक जिसके अंदर ह्यूमरस सिचुएशंस मिलेंगी, स्ट्रेंज सी सिचुएशंस मिलती हैं, हंसी मजाक सा होता है, क्रिटिसिज्म होता है किसी की, जैसा कि यहाँ पे इस पोएम के अंदर है। तो ये एक पैरोडी के टाइप में भी है जो कि एक हास्य और व्यंग्य पोएम है जिसके अंदर किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया गया कि कुछ लोग जो होते हैं दिखावा ज़्यादा करते हैं बट इंटरनली वो लोग वैसे होते नहीं हैं, है ना। तो इस कारण से हम इसको यहाँ पर पैरोडी भी कह सकते हैं और ह्यूमरस पोएम भी है। ओके, उसके बाद जो टाइटल दिया पोएम का द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यहाँ पे देखोगे कि ये एक स्टोरी है, टेल है, कहानी है किसकी, ऑफ कस्टर्ड। कस्टर्ड नाम से, कस्टर्ड वैसे होता क्या है, कस्टर्ड एक कह सकते हैं कि एग, सॉरी, कस्टर्ड जो है वो क्या होता है, एक एग और मिल्क पाउडर समथिंग इस टाइप का जो होता है उसका पेस्ट जो होता है उसे हम कस्टर्ड कहा करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि उस जैसा, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट जैसा दिखने वाला द ड्रैगन, एक ड्रैगन है, उसकी यहाँ पे एक स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द पोएम्स थीम और द समरी, वी कैन से दिस पोएम इज़ रिटन, एक्चुअली दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड, इसमें कहानी शामिल की गई है और इट नैरेट्स द टेल ऑफ ए ड्रैगन्स कैरेज एंड हीरोइज्म। यहाँ पे एक इसमें एक, क्योंकि इसीलिए टाइटल में उसको कस्टर्ड द ड्रैगन यहाँ पे यूज़ किया गया क्योंकि इसमें एक स्टोरी है जो कि ड्रैगन की हिम्मत और उसकी हीरोइज़म की एक कहानी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। ओके, एज आई told you previously the same thing is written here, you must be familiar with ballads। और मेरे राइटर समझ रहा है कि हम लोग मानते हैं कि आप इनको अच्छे से पहचानते होंगे, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ballads क्या होते हैं, that narrate tales जो कि कोई कहानी बताते हैं, of courage और heroism, and in this poem the heroism or courage is described of the dragon। This poem is a humorous ballad close to a parody। और ये एक ऐसी humorous poem है जिसमें किसी चीज़ का हंसी मजाक से किया गया है, मजाक उड़ाया गया है और ऐसी कहानी है किसकी, जो कि बहुत ही क्लोज है किसके, पैरोडी के। पैरोडी क्या होती है, पैरोडी होती है एक ऐसी कोई भी पोएम या फिर ऐसा वर्क, ऐसी स्टोरी जो कि जिसमें ह्यूमरस सिचुएशन हो लेकिन क्रिटिसिज्म हो, किसी का व्यंग्य किसी के ऊपर किया गया हो, आलोचना किसी चीज़ की गई हो। रीड इट अलाउड। ओके, देन लेट अस स्टार्ट नाउ। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। पोएट कहते हैं कि बेलिंडा है एक लड़की है और शी ऑन्स सम पेट एनिमल्स, उसके कुछ जानवर, पालतू जानवर हैं और उसी की कहानी है ये। तो यहाँ पे कह रही है बेलिंडा लिव्ड, बेलिंडा वो लड़की है वो लिव्ड इन लिटिल व्हाइट हाउस, जो कि कहाँ रहती है, इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से स्मॉल से एक वाइट कलर के घर में रहती है, विद ए लिटिल ब्लैक किटन, किसके साथ में रहती है, एक छोटे से एक ब्लैक कलर की एक कैट का एक बच्चा है, हम उसको किटन कहते हैं, तो बिल्ली का बच्चा जो है उसके साथ में रहती है, एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे कलर का एक चूहा है वो उसका पालतू है, वो उसके साथ रहती है, एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा येलो कलर का उसका एक डॉग है, एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटा रेड कलर का वैगन मीन्स क्या कहेंगे, वैगन मीन्स एक व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, है ना, ऐसा कुछ व्हीकल जिसमें कुछ सामान वगैरह इधर से उधर लाने ले जाने में जो यूज़ होता है, ऐसे कलर का, रेड कलर का एक वैगन उसके पास है, एंड ए रेलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और उसके पास एक रेलियो ट्रूलियो का मतलब हो गया एक रियल और एक ट्रू, एक छोटा सा पैट ड्रैगन है उसके पास में। तो रियलियो ट्रूलियो जो है एक पोएटिक लाइसेंस की कंडीशन को शो करता है, इन विच द स्पेलिंग और द कंडीशन ऑफ द वर्ड इज हैज़ बीन चेंज बाय द पोएट, वो उसने बदल दी है यहाँ पे। तो और एक रेफरिन का भी यूज़ किया गया, हर पोएम, हर स्टेंजा के अंदर आपको ये वर्डिंग मिलेगी। सो दोनों ही फॉर्म में यहाँ पे यूज, पोएटिक लाइसेंस भी है और ये क्या है, एक रेफरिन भी है पोएम के अंदर,
कुछ लाइनें जो हर एक स्टेंजा के बाद में बार बार रिपीट होती हैं, उनको रेफरेन कहाँ करते हैं हम लोग, तो वो सेम है यहाँ पे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि इसमें इंट्रोड्यूस किया कि किस किस टाइप के उसके पेट है, एनिमल हैं, और किन के साथ में जो बेलिंडा जो लड़की है ये रहती है, कहाँ रहती है, वो सब उसने पॉइंट ने क्लियर किया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टेंजा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। और अब कहते हैं कि वट वर द नेम्स ऑफ द पेट एनिमल्स। नाउ ऑल द टाइटल्स ऑफ हर पेट एनिमल्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंजा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो उसका लिटिल छोटा सा ग्रे माउस है, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, उसे वो ब्लिंक नाम से बुलाती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। और कहती है कि जो उसका छोटा येलो डॉग जो है, जो कि एक मस्टर्ड के जैसे शार्प है, उसका कलर भी येलो है, इसलिए उसने उसे मैच करवा दिया होगा। बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड। लेकिन उसका जो ड्रैगन है वो कैसा है, एक कावर्ड। कावर्ड मीन्स लैक ऑफ द करेज, वी कैन से ना लैकिंग ऑफ द करेज, हिम्मत नहीं है, विकलिंग के टाइप में है, कमज़ोर सा है, ऐसा दिखता है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और इसीलिए उसे कस्टर्ड नाम से बुलाते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसका अपीयरेंस कैसा था, इट हैज़ बिग शार्प टीथ, उसके बड़े बड़े लंबे दांत जरूर हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप यानी कि उसके स्किन के उसके बॉडी के ऊपर, स्पाइक्स का मतलब कांटे कह सकते हैं, नुकीले कोई भी पॉइंटेड कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, थिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड स्पाइक्स। आप इसका मीनिंग भी यही यूज़ करेंगे, थिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, ओके, ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके बॉडी के ऊपर, सबसे ऊपर तो वो उसकी लेयर है। एंड स्केल्स अंडरनेथ, और उसके नीचे जो है एक पूरी एक प्लेट है, एक कवरिंग है, किसकी, एक बोनी सरफेस की, हार्ड सरफेस की, विच ऑलवेज ही ऑलवेज सेव्स हिम फ्रॉम एनी आउटर, कोई भी डेंजर्स या कोई मुश्किलें जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे उसे सेफ रखती है। अंडरनीथ मीन्स, अंडरनीथ का मतलब क्या हुआ, जस्ट बिलो द स्पाइक्स, उसके जस्ट नीचे की तरफ, ये आपके काम मिलेगी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका मुंह जो है एक फायर प्लेस के तरीके से। फायर प्लेस मीन्स क्या कह सकते हैं, फर्नेस कहते हैं, भट्टी कहते हैं, जहाँ से आग उगलती है, आग निकलती है, आग जलती है ना, ओपन प्लेस फॉर द फायर। तो इसलिए माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका चेहरा जो है, उसका मुंह जो है फायर प्लेस की तरह से, उसमें से आग जैसी गर्मी जो है निकलती है। चिमनी फॉर ए नोज, और उसके नोज जो हैं वो कैसे हैं, एज चिमनी। चिमनी क्या होती है, विच इज़ यूज्ड फॉर टू पास आउट द स्मोक फ्रॉम एनी प्लेस, ना धुआं वगैरह निकालने के लिए, ऐसे जो भी एक पाइप सा या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसको चिमनी कहते हैं। तो उसके नाक जो है उनमें से जैसे धुआं निकलती हो, चिमनी की तरह दिखते हैं वो। एंड रियली ट्रूली ड्रैगन ऑन हिज टॉस, और बहुत सच में जैसे कि कोई रियली और ट्रूली जैसे कि डैगर्स हों। डैगर्स का मतलब होता है शार्प नाइफ, छोटे जो चाकू होते हैं, तलवार नहीं कह सकते, तलवार जो स्वॉर्ड होती है थोड़ी तो बड़ी होती है, लेकिन जो नाइफ होते हैं उनको डैगर्स कह सकते हैं। तो बहुत ही शार्प, जैसे ऐसे उसके क्या है, नाखून है ना, उसके लिए उसने यूज़ किया ऑन हिज टॉस, उसके पंजे जो हैं वो इस तरीके से बहुत ही शार्प हैं, नुकीले हैं। ओके, देन बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स। और कहते हैं कि बेलिंडा इतनी ज़्यादा बहादुर है, बेलिंडा जो लड़की है, जो ऑनर है इन सब की, वो उसके बारे में, उसकी ब्रेवरी को यहाँ पे, वैलर को यहाँ पे उन्होंने पॉइंट ने डिस्क्राइब किया। वो कहते हैं कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव, वो इतनी बहादुर है, एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, जैसे कि बैरल का मतलब यहाँ पे ए ड्रम, एक कोई बैरल जो है, जैसे बैरल यहाँ पे एक मेजरमेंट भी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह जिसको हम लोग लेकर आते हैं, तो उसमें बैरल में इसको हम लोग काउंट करते हैं, उसको मेजरमेंट उसे करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे एक ड्रम फुल ऑफ बेयर, जैसे एक अकेले भालू जितनी ब्रेव नहीं है, बहुत सारे भालुओं जितनी ब्रेव है वो बेलिंडा जो है, इतनी ज़्यादा हिम्मत वाली है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो दोनों हैं वो इतने ज़्यादा, इंक कौन है, इंक किसके लिए यूज़ किया था, उस किटन के लिए, उस बिल्ली के बच्चे के लिए। ब्लिंक किसके लिए यूज़ किया था, माउस के लिए। तो ये दोनों भी इतने ज़्यादा ब्रेव हैं दैट दे कैन चेज लाइंस डाउन द स्टेयर्स, कि वो लाइंस को भी, शेरों को भी वो वहाँ से भगा सकते थे,
दे हैव सो मच करेज इन दैम. मस्टर्ड मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज. और मस्टर्ड जो डॉग था इट वॉज ऑल्सो एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज. जैसे कि कोई टाइगर बहुत गुस्से में हो, रेज मीन्स क्या होता है एंगर, तो गुस्से में कोई टाइगर हो तब जितना वो बहादुर होता है, जितना हिम्मत वाला होता है, जितना डेंजरस होता है, इट वॉज सो ब्रेव एंड डेंजरस. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज. बट इट मीन्स थ्रू दिस लाइन द पोएट इज द पोएट वॉन्ट्स टू शो दैट द कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज नॉट सो सो ब्रेव, नॉट सो डेंजरस, एंड इट ऑलवेज क्राइड, और ये हमेशा चिल्लाता रहता था किस चीज़ के लिए, फॉर ए नाइस सेफ केज, बिकॉज इट वॉन्टेड टू हैव अ सेफ प्लेस फॉर हिम. वो सुरक्षित रहने के लिए और दूसरों से बचने के लिए, हमेशा छिपने के लिए, एक सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता था. ओके, बेलिंडा टिकल्ड हिम. और बेलिंडा जो है, टिकल्ड का मतलब होता है किसी को एक परेशान करना, छेड़ना होता है ना, इसका मतलब क्या होगा, सॉफ्ट टच जो होता है, एक तरह से हम लोग उस सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं. तो अगर इसके लिए मीनिंग यूज़ करें तो वी कैन से टू टच लाइटली, टू कॉज लाफ्टर, किसी को हंसाने के लिए, किसी तरह से किसी को सॉफ्टली टच करना, दैट कैन बी कॉल्ड टिकल्ड हिम. तो बेलिंडा जो है उसे टच करती है ऐसे धीरे से, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और उसे बार बार उसे इस तरीके से, अनमर्सीफुल मीन अनकाइंडली, कि एक बार शरारत की उसके साथ में, फिर किया. सो शी रिपीट्स द सेम एक्शन अगेन एंड अगेन अनमर्सीफुली. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, अब ये तीनों जो थे दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल. वो उसे रूडली का मतलब चिढ़ाते हुए. एक्चुअली परसीवल कौन था? परसीवल वॉज ए नाइट इन किंग लूथर्स कोर्ट. एक योद्धा था, बहादुर आदमी था परसीवल नाम का जिसका था. और कहते हैं कि उसे वो परसीवल नाम से बुलाते हैं क्योंकि ये बेचारा डरता था, इसलिए उसे चिढ़ाते हुए ऐसा वो लोग बोलते हैं. तो रूडली दे कॉल्ड हिम परसीवल. ओके, और बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, परसीवल जो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब यहाँ पे एल्यूजन है, एल्यूजन को यूज़ किया गया है. दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो सभी लोग हंसते हुए कहाँ रेड वैगन में बैठे रहते हैं, रेड वैगन में बैठकर उस पर हंसा करते हैं. किस पे हंसते हैं? एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, उस सचमुच में ही उस कायर से, डरपोक से, उस ड्रैगन के ऊपर वो हंसते हैं. बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस. और कहते हैं कि जो बेलिंडा है शी ऑल्सो लाफ्ड, वो भी हंसती है, टिल शी शुक द हाउस, जब तक कि इतना तेज हंसती जैसे कि पूरा घर हिल ना जाए तब तक वो हंसते. इट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब मीनिंग निकाल तो क्या कह सकते हैं, शी लाफ्ड वेरी लाउडली एट हिम. एंड ब्लिंक सेड, और तभी ब्लिंक उसे कहता, वीक वीक ये एक साउंड है उस, यानी कि चूहे की आवाज़ जो है वो अपने निकालता, वीक वीक करके वो आवाज़ निकालता, विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, जो कि एक एक गिगलिंग साउंड है, किसके लिए, हंसने की एक आवाज़ होती है, किसकी, माउस की, चूहे की. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्ट इन आस्ट हिज एज, और जो इंक और जो यानी कि जो किटन है वो, और जो मस्टर्ड जो डॉग है, वो रूडली आस्ट हिज एज कि आप कितने बड़े हो गए, उसे उसकी एज के बारे में बता करते. फिर भी डरता है ना वो, इसलिए ऐसा बोला गया होगा. व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और व्हेन, वो भी उस समय जब कस्टर्ड चिल्लाता था, रोता था, किसके लिए, कि उसे प्लीज़ कोई सेफ सी जगह, एक केज जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाए, उसे वहाँ जाने दिया जाए. सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक से उन्होंने एक नेस्टी साउंड सुना, एक अजीब सा एक साउंड सुना. एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और तभी जो मस्टर्ड था उसने गले से गुर्राने की, ग्रंटिंग साउंड जो थी, गटरल साउंड जो थी, इसके लिए वर्ड ग्राउल्ड का मतलब होता है एक गटरल साउंड, GUTTURAL है ना. तो वो अपने गुस्से की या डराने की जो आवाज़ होती है वो निकालता है. एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सभी ने बाहर की तरफ देखा या आसपास चारों तरफ देखा. मियाओ क्राइड इंक, जो किटन थे, जो बिल्ली का बच्चा था, उसने मियाओ की साउंड निकाली, उसने भी अपनी आवाज़ में बोला. एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा जो थी, बिकॉज शी वॉज सरप्राइज, शी वॉज शॉक्ड, शी स्पॉक दिस वर्ड. फॉर देयर वॉज ए पैरेट, और क्योंकि वहाँ पे एक पैरेट आ चुका था क्लाइंबिंग इन द विंडो. और यहाँ पे विंडा जो यूज़ किया, ये फिर से पोएटिक लाइसेंस है, अगेन द वर्ड इज मिस स्पेल्ड बाई द पोएट टू राइम
टू मेक इट राइमिंग विद द प्रीवियस वन, पहले बेलिंडा से विंडा को राइमिंग करने के लिए उसने यूज़ किया। विंडा मीन्स यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, विंडो, कि जो कि एक विंडो से चढ़ते हुए उधर आ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, वहाँ से आने के बाद उसने क्या देखा कि उसके हाथ में क्या था, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड के अंदर एक पिस्टल था। पिस्टल इन हिज राइट, राइट हैंड में एक पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसने अपने हाथ सॉरी उसने अपने मुंह के अंदर, दांतों के अंदर पकड़ा हुआ था। ही वॉज होल्डिंग, वी कैन से क्या पकड़े हुए था, कटलेस ब्राइट। इसका मतलब हो गया, कटलेस का मतलब होता है कोई भी वेरी शार्प ब्लेड और स्वॉर्ड, ना कोई भी ऐसा धारदार कोई हथियार जो होता है, दैट कैन बी कॉल्ड कटलेस, चाकू भी कह सकते हो यहाँ पे। तो ऐसा कुछ उसने अपने मुंह में भी पकड़ा हुआ है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी जो थी वो बिल्कुल ब्लैक कलर की थी। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर जो था इट वॉज मेड ऑफ वुड, है ना, जैसा कि हम लोग मूवीज़ वगैरह में किसी सीरियल वगैरह में चेक करते हैं, सेम वैसे ही सीन यहाँ पे भी क्रिएट करने की कोशिश की पोइट ने, कि उसका एक पैर जो है वो यानी कि आर्टिफिशियल है, वो ओरिजिनल नहीं है, टूटा हुआ है, कटा हुआ था, और इस कारण से उसने कोई और डुप्लीकेट लगाया हुआ है। इट वॉज क्लियर दैट द पैरेट मीन्ट नो गुड, और इस बात का स्पष्ट वहाँ पर इंडिकेशन था दैट द पर्पज द मोटिव ऑफ द पैरेट वॉज नॉट सो गुड फॉर देम, वो उनके लिए वास्तव में कुछ ना कुछ गलत करने के लिए ही वहाँ पे आया था। बेलिंडा पेल्ड, अब बेलिंडा जो बहादुर थी बैरल ऑफ बेयर्स के तरीके से, शी बिकेम पेल्ड, उसका कलर जो था फीका पड़ गया, उसका चेहरे का रंग उतर गया। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, प्लीज हेल्प मी, हेल्प अस, बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो बहादुर मस्टर्ड जो था, जो एंग्री टाइगर जैसा जो जो करे जिसके अंदर था, इट फ्लैड, वो भाग गया, रैन अवे विद ए टेरिफाइड, एक डर से भरी हुई, येल्प का मतलब होता है क्राई, एक चीख के साथ में, एक आवाज़ के साथ में। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो वहाँ पे कीटन थी, जो कि उसको भी काफ़ी करेजियस वहाँ पे प्रेजेंट किया गया था पहले, ट्रिकल डाउन, राइट। अब यहाँ पे इसने बोला कि ट्रिकल डाउन, तो ट्रिकल डाउन मीन्स क्या कह सकते हैं कि वो जाके वो एंट्री कर जाती, छिप जाती है, डाउन टू द बॉटम, कहाँ छिप जाती है, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर का जो सामान है ना उनके नीचे दुबक जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस जो था, जो ब्लिंक, जिसका नाम ब्लिंक था, उसने स्ट्रेटेजिकली का मतलब का हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी के साथ में विद ए प्लानिंग, कि कहाँ से छिप कर कैसे बच के निकला जाए, उसने इस तरीके से अपने माउस होल्ड का, अपने माउस का जो होल होता है वो उसमें घुस गया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड जिसको कि इतना बहादुर नहीं मानते थे, जो इतना शो ऑफ नहीं करता था, इट जंप्ड अप, ये उछला, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। स्नॉर्टिंग का मतलब क्या कहेंगे, स्नॉर्टिंग का मतलब अपने नाक से कुछ ऐसे करके आवाज़ निकालते हुए, गुर्राते हुए, लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरीके से आवाज़ निकालते हुए। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजियन, और क्लैश्ड हिज टेल्स, उसने अपने टेल को इस तरीके से इधर से उधर झटके मारे, मूव किया, लाइक आयरन्स, जैसे कि तलवारें हों, आयरन हो, इन ए डंजियन। डंजियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आयरन्स का मतलब वेपन कह सकते हो, है ना, तो इन ए डंजियन, डंजियन का मतलब क्या क्या कहेंगे हम लोग, डंजन एक कोई भी अंडरग्राउंड, कोई भी ऐसी जेल हो सकती है, कोई बैटल फील्ड हो सकती है, उसके लिए अंडरग्राउंड प्रिजन के लिए मोस्टली यूज़ होता है वैसे तो, ठीक है, उसकी तरीके से उसने उसको वहाँ पे मूव करना शुरू किया। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक, इस डंजन का मतलब फायरप्लेस भी होता है, फर्नेस भी होता है बेटा, फायरप्लेस या फर्नेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि जैसे क्लैशिंग ऑफ टेल लाइक आयरन्स का मतलब हो गया, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर ये उस प्रिजन जो है उसकी फॉर्म में ज़्यादा यूज़ कर रहा है। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वीम, विद ए क्लैटर, ये जो क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग जो वर्ड हैं, ये ऑनोमेटोपिया के एग्जांपल्स हैं, ये सभी साउंड हैं, आवाज़ें हैं, उनसे मैच करते हुए वर्ड है, उनको रेफर करते हुए वर्ड है, सेम साउंड सेम वर्ड। विद ए क्लैटर, ए क्लैटरिंग साउंड के साथ में, एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वीम, और स्क्वीम का मतलब होता है टू मूव इन ए ट्विस्टेड मैनर, इधर से उधर घूमते हुए, झटके से, इस एंगल से आवाज़ करते हुए। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म,
और वो इस तरीके से उसके ऊपर झपटता है, इस तरीके ही जंप एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन, जैसे कि रॉबिन बर्ड होता है ना, और वो कैसे किसी एक इंसेक्ट के ऊपर, कैसे किसी कीड़े के ऊपर जंप करता है, इन द सेम वे इट जंप्ड, इट अटैक्ड द पायरेट। ओके, द पायरेट गैप्ड गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, और जो पायरेट था, गैप्ड का मतलब होता है लुकिंग एट समथिंग वेरी सरप्राइजिंगली एंड विद ओपन माइथ, सॉरी ओपन माउथ, खुले मुंह से और किसी चीज़ की तरफ आंखें फाड़ के ऐसे देखना कि बिल्कुल शॉक्ड कंडीशन हो, कुछ बोल ना पाए, कुछ भी कह ना पाए और ऐसे कुछ भी मूवमेंट ना कर पाए, इतना ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज कोई हो, तो उसे कहते हैं गैप्ड कंडीशन। तो द पैरेट वॉज वेरी कंप्लीटली शॉक्ड एट दैट एट बेलिंडास ड्रैगन, उसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है, वो बड़ा शॉक्ड होता है, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने गल्प किया, निगला, कुछ पिया, सम ग्रॉग, ग्रॉग का मतलब एक कोई भी वाइन टाइप में कोई भी एक ऐसा ड्रिंक होता है जो कि पायरेट अपने साथ में रखते हैं, तो उसने वो पिया वहाँ पे, फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट में जो फ्लैगन रखी हुई थी, फ्लैगन का मतलब क्या होता है, ए फ्लास्क लाइक बॉटल, कहने कोई थर्मस जैसी या कोई भी फ्लास्क टाइप में जो कोई बॉटल है, उसमें से उसने अपनी बॉटल से पॉकेट में जो रखी हुई थी वहाँ से उसने कुछ थोड़ा सा ग्रॉग जो है वो वहाँ पे ड्रिंक किया। ही फायर्ड टू बुलेट्स एंड देन ही फायर्ड टू बुलेट्स बट दे डिडंट हिट हिम, लेकिन वो ड्रैगन को हिट नहीं हुए, एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और जो कस्टर्ड था उसने उसे खा लिया, गॉबल्ड हिम का, हिम का मतलब किसे खा लिया, उसने उस पायरेट को खा लिया, एवरी बिट, हर एक हिस्से को, इट मीन्स वो उसे निगल गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, और बेलिंडा जो थी, एम्ब्रेस्ड का मतलब गले से लगा लिया, टू हग हिम, उसने उसे गले से लगा लिया। एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने आकर उस डॉग ने क्या किया, उसे लिकिंग करना शुरू कर दिया, उसे चाटना शुरू कर दिया। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और किसी ने कोई दुख नहीं मनाया, मॉर्न का मतलब होता है टू ग्रीव, GRIEVE, ग्रीव का मतलब होता है दुख मनाना, तो नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, उस पायरेट विक्टिम के लिए, उस पीड़ित के लिए जिसे उसने मार दिया था, किसी के मन में उसके लिए कोई दुख नहीं था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, और जो इंक ब्लिंक जो थे, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय, खुशी के साथ, दे स्टार्टेड क्या शुरू कर दिया, जायरेट, जायरेट का मतलब होता है टू मूव इन ए सर्कल, उसको चारों तरफ से घेर लिया और गोल गोल घूमना उसके तरफ शुरू कर देते हैं, खुशी के साथ छिलना शुरू कर देते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पैरेट, जिसने कि पैरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पॉक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अभी अचानक से जो लिटिल डॉग जो मस्टर्ड था, इट्स स्टार्टेड स्पीकिंग, इसने बोलना शुरू किया, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडन बीन फ्लस्टर्ड, कि मैं इससे भी ज़्यादा, इससे दोगुना बहादुर होता, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं वहाँ पे क्या नहीं हुआ होता, फ्लस्टर्ड नहीं हुआ हो गया होता। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है गॉट नर्वस, किसी का नर्वस हो जाना एकदम से, अगर मैं थोड़ा सा नर्वस नहीं हो गया होता तो मैं इससे भी दोगुना बहादुर था, मैं भी उसको आराम से मार डालता। एंड अप स्पोक ब्लिंक, और तभी बोल उठते हैं कौन, इंक एंड ब्लिंक, वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स, हम तो उससे भी तीन गुना बहादुर होते, वी थिंक, हम लोग ऐसा मानते हैं। एंड कस्टर्ड सेड, तभी कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री, कि कस्टर्ड ने बिल्कुल नॉर्मली कहा कि हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि यहाँ पे हर व्यक्ति जो है वो मुझसे बहादुर ही है, एज वी कुड सी व्हेन द पायरेट केम हियर, है ना। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, और हमने तभी कहा कि ये एक एक तरह से पैरोडी है, एक क्रिटिसिज्म है यहाँ पे, इसके अंदर किसी के ऊपर व्यंग किया हुआ है, क्योंकि लोग कहते कुछ हैं, होते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी रहती है, कहाँ पे रहती है, इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, उसके उस छोटे से सफ़ेद घर में, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, उसके छोटे ब्लैक किटन के साथ में, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और उसके छोटे जो ग्रे माउस हैं उसके साथ, उसके चूहे के साथ में, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियल यू ट्रूली, ये लाइनें सेम है बेटा, वो सब चीज़ें पहले ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, सो द सेम ट्रांसलेशन कैन बी गिवन हियर एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा जो है वो अभी वही लाइन फिर से है, ये कंप्लीट ही लाइन्स जो हैं, बट कस्टर्ड कीप्स यहाँ, यस सेम है, सो वी कैन से दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम, एंड लेट इस स्टार्ट टू
टेक ए ग्लांस ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। ओके बेटा, इसमें अगर राइम स्कीम की बात करें तो सबसे पहले तो देखें कि राइम स्कीम क्या है। यहाँ पे हाउस एंड माउस बोथ द वर्ड्स आर राइमिंग एंड वैगन एंड ड्रैगन आर राइमिंग, सो वी कैन से ए बी बी इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। ओके, और इसमें जो स्टैंजा नंबर 13 है बेटा, उसमें थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। वहाँ पे आप देखोगे कि ए बी बी सी सी करके मिलेगा, तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब देखते हैं इसके अंदर और कौन से यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए। तो यह हम कहेंगे कि एक तो इसके अंदर एंड एंड के अंदर जहाँ पे भी रिपीट हो रहा है इसका मतलब एनाफ्रा है, एंड ए लिटिल एंड ए रियली ट्रूली, तो यहाँ पे एनाफ्रा है। रियली ट्रूली के अंदर पोएटिक लाइसेंस भी है और ऊपर से एक रेफरेंस भी है, ठीक है। रेपिटेशन भी यूज़ हुआ, लिटिल वर्ड बहुत बार यूज़ हो रहा है इसमें हर बार, तो इसका मतलब यहाँ पे रेपिटेशन भी है। एलिट्रेशन भी यूज़ हो रहा है, अगर इसमें चेक करेंगे तो एलिट्रेशन कहाँ पे होगा एक बार देखो, विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल, नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे एज मस्टर्ड इसमें सिमली यूज़ हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। जो यहाँ पे एज मस्टर्ड उससे उसको कंपेयर कर दिया, माउथ लाइक ए फर्नेस सिमली है, चिमनी फॉर नोज फॉर ए नोज यहाँ पे भी, और डैगर्स के साथ में भी यहाँ पे भी। एज ब्रेव एज ए बैरल यहाँ पे फिर से सिमली है, एज ब्रेव एज ए टाइगर यहाँ फिर से सिमली, रेपिटेशन कह सकते हो, टिकल टिकल वर्ड का रिपीट यहाँ पे रिपीट एक तरह से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था एल्यूजन है जो परसिवल वर्ड यूज़ किया, ये सेम लाइन है इसमें, आप जैसे मैंने पहले बताया था सेम उसको यूज़ करते रहोगे। रियली ट्रूली अगर आता है तो उसके अंदर हम बोलेंगे पोएटिक लाइसेंस भी है और ऊपर से ये रेफरेंस भी है। शी शूक यहाँ पे तो एलिट्रेशन आ गया है, एस एस साउंड रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन है सडनली सडनली। यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस कह सकते हो, रेपिटेशन इस लाइन के अंदर है, पिस्टल इन हीज पिस्टल इन हीज। टेरिफाइड येल्प यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, जिसने वर्ड यूज़ किया टेरिफाइड येल्प, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, टी आर ए एन एस एफ ई डबल आर ई डी ट्रांसफर्ड एपिथेट ई पी आई टी एच ई टी, क्योंकि यहाँ पे जो येल्प क्राई जो है ये टेरिफाइड दिखाई गई है, नहीं यहाँ पे टेरिफाइड कौन था, मस्टर्ड जो था वो टेरिफाइड था, वो डरा हुआ था, लेकिन जो क्राई है उसको टेरिफाइड बना दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। लाइक एन इंजन तो यहाँ पे सिमिली हो गया है,
क्लैटर्स क्लैंक, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। और जो इसके अलावा जो जेंगलिंग क्लैटर क्लैंक ये सब किसके एग्जाम्पल है, ऑनोमेटोपिया के एग्जाम्पल भी हैं। लाइक ए रॉबिन, यहाँ पे फिर से सिमिली, गर्प्ड ग्रॉग, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फिर से एलिट्रेशन है, गेप्ड गर्प्ड ग्रॉग। ग्ली जायरेट, बाकी सेम्स रिपीट हो रहा है। तो ये आपके बेटा इसमें मेन मेन लिटरेरी डिवाइसेस थे, और मैं मानता हूँ कि अभी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने सब कवर कर दिए हैं। आप इसके सभी के वर्ड मीनिंग्स जो भी हैं वो अच्छे से नोट करें अपनी नोटबुक्स के अंदर, उन्हें लर्न करें और इसे क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।